तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड जय जोहार। आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ न्यू हुंडई कार लास्ट 2022 मॉडल, जो एकदम न्यू है। इसका अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं आया हुआ है। तो वीडियो में बने रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ गाड़ी की हालत, मतलब किस प्रकार है। गाड़ी की मेट देख सकते हैं अब, गाड़ी के नीचे देख सकते हैं टायर के नीचे कितना ज़्यादा मतलब गंदा है। आप ऊपर में भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल बैठा हुआ है गाड़ी में। तो एकदम न्यू गाड़ी है, जो मतलब थोड़ा लंबे टूर जाके आई है गाड़ी। अब गाड़ी के मेट देख सकते हैं अंदर का कितना ज़्यादा गंदा है। तो ये रहा वेन्यू कार लास्ट 2022 मॉडल। तो हमारा काम यहाँ से शुरू हो चुका है। जो हमारा काम होता है स्टार्टिंग में पानी मारना, तो जो हमारे कस्टमर हैं उनको नई गाड़ी में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग था। तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी को एकदम नई जैसी ही कर दो, इसके जगह सारे कचरे को बाहर निकाल दो, इसके बॉडी में लगे जितने भी धूल मिट्टी है उस सबको एकदम अच्छे से फ्रेश कर दो। तो कार का जो इंजन है उसमें पानी आप मार सकते हैं, पर वैसा भी नहीं, मतलब क्योंकि अभी नई नई गाड़ी में बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं जो काफ़ी बचा के मारना पड़ता है। तो इंजन ही काफ़ी गंदा हो चुका था। तो इंजन में जो भी है शैम्पू हम लोग का यूज होता है को लगाने के बाद इसको अच्छे से पानी मारना पड़ता है। जो हमारा गाड़ी का जो काम है वो लगभग आधा हो चुका है। इसके टायर, इसके गेट क्लीन हो चुके हैं। बाकी जो ऊपर का काम बचा हुआ है वो तो अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जो हमारा काम है शैम्पू लगाना पूरे बॉडी में, जैसे कि हमने आपको बताया था, इसको अच्छी तरह शैम्पू लगाने के बाद इसके सारे साइड
उसके बाद एक बार फिर से पानी मारेंगे वो भी अच्छी तरह से, शैम्पू का दाग ना हो। ऐसे पानी मारने के बाद एक बार कपड़ा चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके वजह से गाड़ी में शैम्पू का दाग नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग का गाड़ी अब लगभग धुल के रेडी हो चुका है। अब जो हमारा काम है गाड़ी के अंदर का इंटीरियर क्लीनिंग, तो हेलो गाइस, गाड़ी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है धुल जाने के बाद। गाड़ी पूरा कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर है जो काफ़ी खुश हो चुके हैं। आप देख ही सकते हैं जितने भी कचड़े लगे थे सब बाहर निकल चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो रही बात इंटीरियर की, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप डिफरेंट देख सकते हैं इंटीरियर में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन है, कितना ज़्यादा साफ़ है, एकदम न्यू गाड़ी न्यू जैसी हो चुकी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।